हेलो दोस्तों, यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग, रेलवे, एसएससी और अनकॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हमने कवर किया है जनरल साइंस टॉपिक ऊतक, इसको इंग्लिश में टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टिश्यू चैप्टर को समझा है, जाना है, तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरी वीडियो अवश्य देखिए। दोस्तों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं हमारे टॉपिक ऊतक टिश्यू के बारे में। आज का हमारा प्रश्न है, ऊतक किसे कहते हैं यानी टिश्यू किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। दोस्तों किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को ऊतक कहते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न कि ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हिस्टोलॉजी, ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम ऊतक टिश्यू को चार्ट के माध्यम से सरल भाषा में समझ लेते हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों ऊतक चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, पेशीय ऊतक, इसको इंग्लिश में मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों नंबर दो पे आता है तंत्रिका ऊतक, इसको इंग्लिश में न्यूरॉन कहा जाता है। और दोस्तों नंबर तीन पे आता है संयोजी ऊतक। दोस्तों संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू। और आइए दोस्तों अब हम उपकला ऊतक, पॉइंट नंबर फोर पे आता है उपकला ऊतक। दोस्तों इसको इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों पेशीय ऊतक के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों पेशियों से हमारी मांसपेशियां बनी होती हैं। ये मांसपेशियां हमारे शरीर को रक्षा देने का कार्य करती हैं। दोस्तों इन्हीं के कारण दोस्तों मोटे लोगों को कम चोट लगती है और उनकी तुलना में पतले लोगों को अधिक चोट लगती है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको पेशियाँ समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर टू के बारे में जान लेते हैं, तंत्रिका, इससे हमारा ब्रेन बना होता है। दोस्तों पॉइंट नंबर थ्री आता है संयोजी ऊतक, इसको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, कनेक्टिव टिश्यू यह हमारे पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। और पॉइंट नंबर फोर पे आता है उपकला ऊतक, उपकला ऊतक चोट लगने से बचाता है, हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है उपकला ऊतक, एडिपोज टिश्यू। दोस्तों पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पे आता है रेखित पेशी, नंबर दो पे आती है अरेखित पेशी और नंबर तीन पे आती है हृदयक पेशी। आइए दोस्तों हम रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदयक पेशी के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। दोस्तों रेखित पेशी यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। दोस्तों मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, ज़्यादा काम करने पर थक जाती हैं। दोस्तों मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि मांसपेशियों में थकान किसके कारण होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। आइए दोस्तों अब हम सेकंड के बारे में जान लेते हैं। हमारी सेकंड नंबर पे आती है अरेखित पेशी, या इसको हम अरेखीय पेशी भी कहते हैं। दोस्तों यह थकती नहीं है, दोस्तों यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए हृदय, लीवर, फेफड़े, दोस्तों यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम सो जाते हैं तो क्या हमारा हृदय धड़कना बंद करता है? नहीं करता। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि अरेखित पेशियां कभी थकती नहीं है और यह हमारी इच्छा अनुसार कार्य भी नहीं करती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको अरेखित पेशी समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर थ्री के बारे में जान लेते हैं, हृदयक पेशी। दोस्तों हृदयक पेशी भी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती और ना ही दोस्तों यह कभी थकती है।
आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हृदयक पेशी, अरेखित पेशी और रेखित पेशी समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में जान लेते हैं, तंत्रिका ऊतक। दोस्तों न्यूरॉन टिश्यू से हमारा ब्रेन बना होता है। आइए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के बारे में जान लेते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों यह हमारे शरीर को जोड़ने का कार्य करता है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। दोस्तों इसके एग्जांपल हैं ब्लड। ब्लड दोस्तों संयोजी ऊतक के नाम से किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ब्लड। और दोस्तों लैम मतलब लसीका। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए हमारे शरीर में हाथ में जैसे मान लीजिए दोस्तों चोट लग जाती है, तो चोट लगने से पहले हाथ से ब्लड निकलने से पहले दोस्तों जो पीले रंग का पदार्थ निकलता है उसी को हम लैम या लसीका कहते हैं। दोस्तों कार्टिलेज नरम होती हैं और बोन कड़क होती हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ब्लड, लैम, बोन और कार्टिलेज समझ में आ गई होंगी। आइए दोस्तों अब हम पॉइंट नंबर 4 के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 है उपकला ऊतक, इसको इंग्लिश में एडिपोस टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों एडिपोस टिश्यू वसा के बने होते हैं। दोस्तों वसा हमारे शरीर को ठंड लगने से बचाता है और वसा हमारे शरीर को चोट लगने से भी बचाता है। दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको एडिपोस टिश्यू समझ में आ गया होगा। दोस्तों ऊट की जो कूबड़ होती है वह वसा की बनी होती है। दोस्तों व्यक्तियों का जो पेट बाहर निकल आता है उसमें बहुत ज़्यादा चर्बी यानी कि वसा भर जाता है, इसी के कारण दोस्तों व्यक्तियों का पेट बाहर निकल आता है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको एडिपोस टिश्यू समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।